subscribe to our channel and hit the bell icon ताकि आपको regularly educational updates मिलते रहें. Hello everyone, welcome to our channel Education Panacea. I am Ashish Ranjan. Guys, gender studies का आज हम important topic करेंगे एक. देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं, अभी recently Prime Minister नरेंद्र मोदी और जापान के Prime Minister Shinzo abe वो भारत आए थे और उन्होंने bullet train project जो चलने वाला है इंडिया के अंदर तो उसका inauguration किया था. अब बुलेट ट्रेन क्या है, क्या इनॉग्रेशन है, मुंबई अहमदाबाद के बीच में चलाई जाएगी या इंडिया के और स्टेट में फैलाई जाएगी या और कई सारी चीजें हैं जैसे कि हाई स्पीड रेल का क्या होता है हमारा और मैगलेव ट्रेन क्या होता है, हाइपर लूप एक वर्ड जो आप अगर सोशल मीडिया से कनेक्टेड है तो आप सुनते होंगे कि हाइपर लूप भी एक कोई है जो टेक्नोलॉजी आने वाली है हमारे फ्यूचर में भविष्य में. तो सारी चीजें आज मैं क्लियर करूंगा. देखिए स्टार्ट करता हूं मैं. बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट ये जो है इनॉग्रेशन इसका किया जाएगा, ठीक, इनॉग्रेशन किया गया है और मुंबई अहमदाबाद के बीच में ये चलाई जाएगी बुलेट ट्रेन पहली जो कि भारत के अंदर आई है. अब इम्पोर्टेंट यहाँ पे है कि क्या होता है हाई स्पीड ट्रेन, बुलेट ट्रेन क्या चीज होती है, मैग्लेव ट्रेन एक है जो कि आप सुनते होंगे, हाइपर लूप एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमारा भविष्य है, जो कि इस पर टाइम लगेगा थोड़ा लेकिन ये भी टेक्नोलॉजी है, इसके ऊपर भी स्टार्ट हो गया है सब कुछ. तो देखिए सारी चीजें मैं क्लियर करता हूँ एक एक करके. अब बात करूं मैं इंडिया की, इंडिया के अंदर जो भी रेलवे सिस्टम है हमारा, इंडिया के अंदर सबसे फास्टेस्ट ट्रेन कौन कौन सी है, कौन कौन सी है, देखिए है गतिमान एक्सप्रेस हो गया या दुरंतो हो गया या तेजस हो गया या शताब्दी हो गई, ये जो हमारी है इंडिया के अंदर सबसे फास्टेस्ट ट्रेन जो अभी चल रही है, जो वर्किंग है, रनिंग है अभी. देखिए इनकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो कितनी है, 140 किलोमीटर से लेकर के 160 किलोमीटर पर आवर की इनकी ये मैक्सिमम स्पीड है. लेकिन ये मैक्सिमम स्पीड है, अब लोगों को लगता होगा कि यार ये तो बहुत फास्ट है 140 से 160 किलोमीटर, लेकिन ऐसा नहीं है. ये जो चलती है मैक्सिमम स्पीड ये कभी कभी ही चलती है, पूरे अपने जो इनका जर्नी होता है उनके कभी कभी ये स्पीड पकड़ती है. इतनी यूजुअली जो होता है वो कितनी मेंटेन करती है, वो 100 के अंडर अंडर रहती है. तो ये इसलिए ये हमारा वर्क करता है. अब देखिए ये तो हो गई हमारी मैक्सिमम की स्पीड. अब इसीलिए बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट लाया जा रहा है कि ताकि इंडिया की जो रेल नेटवर्क है उसमें और ज्यादा सुधार किया जा सके, हमारा जो टेक्नोलॉजी और फील्ड है वर्क है तो उसमें काफी ज्यादा मतलब टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए और इंडिया ज्यादा से ज्यादा अपना डेवलप करे अपने आप को. अब बात करूं मैं हाई स्पीड रेल की, तो हाई स्पीड रेल क्या होता है, देखिए हाई स्पीड रेल की कुछ फीचर्स है, इंपॉर्टेंट फीचर्स है यहाँ पे मैं बता दूं जो कि एग्जाम के पेपर से इंपॉर्टेंट है और आ सकता है उसमें. हाई स्पीड रेल अभी क्या होता है, हाई स्पीड रेल अगर कोई ट्रेन मिनिमम जो स्पीड है उसकी कितनी है 200 किलोमीटर पर आवर है तो उसको हाई स्पीड रेल की कैटेगरी में रखा जाएगा. अब हाई स्पीड रेल दिखने में कैसी होती है, आपने इंडिया की ट्रेन जरूर देखी होगी, तो वैसी जो ट्रेन है वैसी नहीं होती है, हाई स्पीड रेल होती है उसका शेप होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है. उसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, वो स्ट्रीमलाइन होती है. अब स्ट्रीमलाइन शेप क्या होता है, देखिए स्ट्रीमलाइन देखिए वैसे मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है तो समझने की कोशिश करिएगा थोड़ा सा. ये आपने देखा होगा कि बुलेट ट्रेन और ये जो हाई स्पीड रेल है वो भी कुछ ऐसा ही होता है, उसकी शेप ना कुछ ऐसी ही है जो मैंने बना रखा है, ये ऐसे होता है. तो ये जो ऐसी शेप है ना ये स्ट्रीमलाइन शेप, जैसे आपने देखा होगा मछली जैसी होती है, मछली की जैसी शेप है वैसी जो शेप होती है वो होती है हाई स्पीड रेल की. या बुलेट ट्रेन की बात करूं मैं तो उनकी स्पीड उनकी जो शेप होती है वो कुछ ऐसे ही होती है. अब ये जो ट्रेन है नॉर्मल जो ट्रेन इंडिया के अंदर चल रही है अभी उसमें किस चीज का इस्तेमाल किया गया है, उसमें हम कॉपर का इस्तेमाल अभी करते हैं, अभी तक कॉपर का इस्तेमाल करते हैं और कॉपर का वेट होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है तो इसीलिए स्पीड जो है कम होती है. लेकिन जो हम हाई स्पीड रेल में यूज करेंगे या बुलेट ट्रेन में यूज करेंगे हम वो क्या यूज करेंगे, उसमें एल्यूमिनियम अलॉय का यूज करेंगे क्योंकि ये होता है लाइटर वेट होता है, इसका वेट होता है काफी लाइट होता है तो इसकी स्पीड है स्पीड को इंक्रीज करने में हेल्प काफी इससे मिलेगी एल्यूमिनियम अलॉय से. अब जो हम चलाएंगे हाई स्पीड रेल चलाएंगे या बुलेट ट्रेन चलाएंगे उसमें हम किसका यूज करेंगे, उसमें हम इलेक्ट्रिक पावर का यूज करेंगे. वैसे तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाता है लेकिन कई अभी पूरी तरीके से नहीं हुआ है तो हम हाई स्पीड में और हाई स्पीड ट्रेन और बुलेट ट्रेन में हम इलेक्ट्रिक पावर का यूज करेंगे. अब ये इलेक्ट्रिक पावर का यूज करेंगे तो वो कहां से आएगी पावर, तो ये जनरेट की जाएगी बाय रिन्यूएबल रिसोर्सेज के थ्रू.
रिन्यूएबल रिसोर्सेज में बता दूं, जैसे कि विंड एनर्जी हो गई या ओशियन एनर्जी हो गई या एक जियोथर्मल एनर्जी होती है उसके थ्रू यूज किया जाएगा, जिससे कि हमारा पॉल्यूशन वगैरह भी नहीं होगा, तो काफी ज्यादा एफिशियंट मानी जाती है ये। अब ये तो हो गया हाई स्पीड रेल, हाई स्पीड रेल हो गया। अब बात करूं मैं बुलेट ट्रेन और मैगलेव ट्रेन, ये क्या होती है? बुलेट ट्रेन तो आपने फिर भी सुन रखा होगा, मैगलेव ट्रेन ये इंपॉर्टेंट है, कई लोगों ने नहीं सुना इसके बारे में, तो मैं इसको बता दूं जरा। देखिए मैगलेव ट्रेन और बुलेट ट्रेन के बीच मैंने कंपैरिजन किया है, डिफरेंस बताया दोनों के बीच में। पहली बात तो ये जान लीजिए मैगलेव ट्रेन है ये, इसके लिए इसको चलाने के लिए ना व्हील की जरूरत नहीं होती। आप जैसे कि जानते होंगे नॉर्मल जो ट्रेन है वो पटरी पे चलती है, पटरी पे चलती है, उसके पहिए होते हैं, लेकिन मैगलेव ट्रेन के अंदर क्या है, मैगलेव ट्रेन के अंदर व्हील नहीं होता, उसमें व्हील की जरूरत नहीं होती। बुलेट ट्रेन का क्या है, बुलेट ट्रेन को, बुलेट ट्रेन में मे और मे नॉट बी, मतलब इसमें हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं इसमें पहिए। अब बात करूं मैं इसकी, मैग्नेट ट्रेन जो चलती है उसकी जो नॉइज आती है वो काफी कम होती है, मतलब उसे चलती है जब, तो जब किसी स्टेशन से जाती है रास्ते में चलती है तो उसकी जो वॉइस होती है, नॉइज पोल्यूशन जो होता है बहुत कम होता है। और वही अगर बात करूं मैं को कि क्या कहते हैं बुलेट ट्रेन की, तो बुलेट ट्रेन के साथ एक मेजर इशू है, ये मेजर इशू क्या है कि इसके अंदर नॉइज पोल्यूशन है वो काफी बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। अगर आप जापान की कोई यूट्यूब पे अगर कोई वीडियोस देखते हैं आप, तो उसमें अगर आप देखते हैं तो जापान वगैरह में, चाइना में जो बुलेट ट्रेन चलती है तो उसकी जो नॉइज पोल्यूशन है वो बहुत ज्यादा होता है, तो एक मेजर इशू माना जाता है ये। अब मैगलेव ट्रेन है और ये बुलेट ट्रेन है, बुलेट ट्रेन की बात करूं मैं तो बुलेट ट्रेन क्या है, एनर्जी एफिशिएंट है, काफी ज्यादा एनर्जी सेव करती है इसमें भी, क्योंकि रिन्यूएबल रिसोर्सेज वगैरह का यूज किया जाता है। लेकिन वही बात करूं मैं अगर मैगलेव ट्रेन की, तो मैगलेव ट्रेन क्या है, हाईएस्ट एनर्जी एफिशिएंट है, मतलब ये तो एनर्जी एफिशिएंट है ही, लेकिन ये क्या है, हाईएस्ट एनर्जी एफिशिएंट है, उससे भी ज्यादा एनर्जी ये सेव करती है, तो यहाँ पे इसके साथ ये प्लस पॉइंट है। अब बात करूं मैं इसके मैगलेव ट्रेन की, मैगलेव ट्रेन का लेकिन एक साथ प्रॉब्लम ये है कि कैपिटल कॉस्ट है जो, मतलब जो उसकी लागत है, शुरुआती जो कॉस्ट जो आएगी उसको, तो वो काफी ज्यादा वेरी हाई, बहुत ज्यादा हाई होती है, तो उसको अफोर्ड कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है इन कंपैरिजन टू बुलेट ट्रेन। और वही बुलेट ट्रेन की बात करूं तो बुलेट ट्रेन है वो कम एक्सपेंसिव है इसके मुकाबले, मैगलेव ट्रेन के मुकाबले ये हमारी कम एक्सपेंसिव है, तो इसीलिए हम इसे अफोर्ड कर पा रहे हैं और इसे भारत में चलाई जाएगी। बात करूं अगर मैं टेक्नोलॉजी की, देखिए जो मैगलेव ट्रेन है ये, बाकी आप सोच रहे होंगे कि अब ये तो बहुत सारी कंट्रीज में चलती होगी, फिर तो इंडिया में नहीं चल रही, इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकते, तो शायद डेवलप्ड कंट्री इसे अफोर्ड कर सकते हो, लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है मैगलेव ट्रेन की ये भी अभी बहुत ही कम कंट्रीज में यूज की जा रही है। वही अगर बात करूं मैं बुलेट ट्रेन की, तो बुलेट ट्रेन की जो टेक्नोलॉजी है ये भी ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज में अवेलेबल है, जैसे कि देखिए चाइना में हो गया, जापान में हो गया, रशिया में हो गया, अमेरिका में हो गया, और भी कई सारी कंट्रीज है जिसमें बुलेट ट्रेन का यूज किया जाता है। अब बात कर, आप सोच रहे होंगे कि यार ये व्हील पे तो चलती नहीं है, तो चलती कैसे है ये? देखिए इसके लिए मैं बता दूं आपको, इसमें मैग्नेटिक उसका यूज किया जाता है। देखिए मैग्नेट, जैसे कि आप जानते होंगे मैग्नेट का एक होता है साउथ पोल, मैग्नेट जो होती है उसमें एक होता है साउथ पोल और एक तरफ होता है नॉर्थ पोल, तो अगर नॉर्थ नॉर्थ एक कोई भी दो पोल को एक दूसरे को मिला दूं मैं, तो ये क्या होगा, डिस्टेंस ये अट्रैक्ट नहीं करेंगे दूसरे को, ये दूर भागेंगे एक दूसरे से, देख चुंबक में आपने देखा होगा। लेकिन अगर मैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिला दूं तो वो दोनों एक दूसरे चिपक जाते हैं, तो मैग्नेट ट्रेन जो है इसी टेक्नोलॉजी, ऐसी ही कुछ टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है। देखिए होता क्या है, मान लीजिए देखिए ये होता है ट्रैक, ये यहाँ पे रख दिया था, मान लीजिए नॉर्थ पोल या साउथ पोल जो भी रख दिया जाता है, मान लीजिए जैसे कि नॉर्थ पोल हो जाएगा और यहाँ पे जो ट्रेन होगा वो वहां पे भी ये नॉर्थ पोल रख दिया जाएगा, तो ये होगा ये दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं करेंगे, डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, तो ये जो होगा ये पटरी पे नहीं चलेगी, इसके लिए व्हील की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब पटरी को टच नहीं करेगी, पटरी को टच नहीं करेगी तो क्या होगा, ये ऊपर डिस्टेंस इतना बना, करीब करीब इतना डिस्टेंस बना रहेगा, तो डिस्टेंस बना रहेगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन लेस, इसमें फ्रिक्शन जो है वो बहुत कम होगा, तो फ्रिक्शन कम होने की वजह से इसका क्या होता है, इसकी जो लाइफ है ना वो काफी ज्यादा होती है, और इसकी स्पीड मेन प्लस पॉइंट ये हो जाता है इसके साथ कि इसकी स्पीड जो है उसे हम इंक्रीज कर सकते हैं 500 किलोमीटर 700 किलोमीटर कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन लेस है, क्योंकि इस चीज से रोक नहीं रही है। वही अगर बुलेट ट्रेन की बात करूं मैं, तो बुलेट ट्रेन का क्या है, नॉर्मल जैसे कि ये ट्रैक हो गया, ट्रैक के ऊपर ये व्हील हो गया, ये व्हील लगे हुए हैं यहाँ पे, और व्हील लगे हुए तो क्या होता है, ये जो फ्रिक्शन है फ्रिक्शन पैदा करता है यहाँ पे, जिससे कि स्पीड है जो थोड़ी सी, मतलब एज कम्पेयर टू मैगलेव ट्रेन वो कम हो जाती है, और इसकी लाइफ जो है वो लाइफ भी उतनी नहीं होती एज कम्पेयर टू मैगलेव ट्रेन।
तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा मैग्लेव ट्रेन और बुलेट ट्रेन। अब बात करता हूं मैं हाइपर लूप ट्रेन की और इंडिया के अंदर जो बुलेट ट्रेन आने वाली है उसकी। सो गाइस यहां पे नेक्स्ट मैं इंपॉर्टेंट ट्रेन की बात करता हूं। देखिए नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है जो कि हमारे फ्यूचर में आने वाली है, इंडिया में हो चाहे दुनिया में हो, आने वाली है, कौन सी है? हाइपर लूप ट्रेन। अब ये हाइपर लूप ट्रेन क्या है और उसकी इन्वेंशन कैसे आया? देखिए एक है टेस्ला मोटर, इस कंपनी के जो सीईओ है एलोन मस्क जिनका नाम है, ये पहली बार ये लेके आए हैं टेक्नोलॉजी हाइपर लूप ट्रेन की टेक्नोलॉजी। अब ये हाइपर लूप ट्रेन की टेक्नोलॉजी ये डिफरेंट कैसे है बुलेट ट्रेन और मैग्लेव ट्रेन, जिनकी स्पीड 350-400 किलोमीटर है, तो उनसे भी ज्यादा कैसे ये है? और सबसे अच्छी जो मानी जा रही टेक्नोलॉजी जो कि हमारा फ्यूचर में ये बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। अब देखिए बताऊं मैं आपको, तो फ्लाइट की जब अगर वही ट्रेवल करते हैं फ्लाइट से, तो फ्लाइट की मैक्सिमम स्पीड कितनी होती होगी? 500 किलोमीटर, 550, 600 मैक्सिमम, 550-600 किलोमीटर, ज्यादा नहीं होती। लेकिन अगर हाइपर लूप की, अगर जो एलोन मस्क की माने, तो हाइपर लूप ट्रेन जो है वो कितनी स्पीड हो सकती है उसकी? 1200 किलोमीटर। यस गाइस आपने सही सुना, 1200 किलोमीटर पर आवर, ये बहुत ज्यादा स्पीड है। अगर ऐसा ही स्पीड रहा तो, इनकी माने तो ऐसा ही स्पीड रहा तो हम साउंड की स्पीड जो कि 332 मीटर पर सेकंड होती है, हम उसको भी पार कर सकते हैं, उसके बराबर भी जा सकते हैं हाइपर लूप ट्रेन की मदद से। अब ये काम कैसे करती है? देखिए ये भी जो काम करती है वर्क लाइक मैग्लेव ट्रेन, जो मैग्लेव ट्रेन जो मैंने आपको बताया उसकी टेक्नोलॉजी के ऊपर ये भी काम करती है। मीन्स की इसमें भी होते हैं व्हील नहीं होते, पहिए नहीं होते, ये भी मैग्नेटिक मैग्नेटिक की तरह काम करती है। अब देखिए इसमें होता है, इसमें भी कॉपर को, इसमें कॉपर कॉइल लगी होती है, कॉपर जो होती है काफी लाइट वेट होता है और इसकी स्पीड को इंक्रीज करने में मदद मिलती है। अब ये जो हाइपर लूप ट्रेन है ये बाकी ट्रेन से डिफरेंट कैसे है? देखिए तो मैं इसको समझा दूं आपको, मैं ये एक ट्यूब के अंदर जो चलेगी, जो ट्रेन चलेगी एक ट्यूब के अंदर चलेगी, तो अब ये ट्यूब को अगर मैं डायग्राम के थ्रू समझाऊं तो देखिए मान लीजिए ये ट्यूब है, ये ठीक है ये ट्यूब है, तो ट्यूब के अंदर ये ट्रेन है, ट्रेन जो ऐसे चलेगी यहाँ पे क्या होगा, तो एयर जो है अपोजिट साइड से एयर का प्रेशर आएगा जो कि इसकी स्पीड धीरे करेगी। लेकिन इसकी खास बात यह है कि यहाँ पे ना इन्होंने कंप्रेसर लगाया हुआ है, तो एक कंप्रेसर लगाया हुआ है, कंप्रेसर करेगा क्या, वो एयर जो है उसको आगे से हटा देगा, आगे की एयर को और बाकी एयर को अंदर की तरफ से हटा देगा वो एयर को, तो एयर का प्रेशर जो कम हो जाएगा। अगर बाहर से कोई एयर का प्रेशर नहीं लग रहा है, नीचे व्हील भी नहीं है, तो इसकी जो स्पीड है वो काफी तेज हो जाएगी। तो तभी जो माना जा रहा है वो कितनी स्पीड, 1200 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड मानी जा रही है, जो कि एयर प्रेशर को रिड्यूस करके खत्म करके ये हो जाएगी इतनी स्पीड। तो ये है हमारे फ्यूचर की ट्रेन। अब देखिए बात करूं मैं हमारे जो शिंजो अबे जो आए थे अभी भारत में, वो और जो इनॉग्रेशन जिन्होंने किया उन्होंने मोदी के साथ, प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ मिलकर के, तो बुलेट ट्रेन इंडिया के अंदर जो बुलेट ट्रेन आ रही है तो उसकी क्या क्या फैसिलिटी है, कहाँ पे चलेगी और क्या उसका फ्यूचर है? देखिए बता दूं मैं आपको, बुलेट ट्रेन जो चलेगी इंडिया के अंदर, पहले तो मैं थोड़ा सा बता दूं इंडिया की जो रेल नेटवर्क है उसके बारे में। इंडिया का जो रेल नेटवर्क है वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट रेल नेटवर्क है, दुनिया का तीसरा सबसे लार्जेस्ट नेटवर्क है। इसकी जो ये जो एम्प्लॉयमेंट देता है, रोजगार देता है, वो कितनों को देता है? 1.3 मिलियन से ज्यादा लोगों को, मतलब एक इंडिया की बहुत बड़ी जो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है क्या, इंडियन रेलवे। अब बात करूं मैं कि इंडिया के अंदर पहली ट्रेन कब आई थी और कैसे चलाई गई थी। इंडिया के अंदर जो पहली पैसेंजर ट्रेन आई थी, पैसेंजर ट्रेन की बात कर रहा हूं मैं, पैसेंजर ट्रेन जो इंडिया के अंदर सबसे पहले आई थी वो कब आई थी, वो 1853 में आई थी, जो कि कहां चली गई थी, कहां चलाई गई थी, वो बॉम्बे से लेकर के थाने में, जो बॉम्बे आज का जो मुंबई है वो मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई थी पहली भारत की पैसेंजर ट्रेन। अब बात करूं मैं इसकी बुलेट ट्रेन की, जिसका सपना हम देखने वाले, जो सच होने वाला है कुछ ही सालों में। तो देखिए बुलेट ट्रेन सबसे पहले दुनिया में कहां पे आई थी, बुलेट ट्रेन जो कि दुनिया में 1 अक्टूबर 1964 को कहां आई थी, जापान में चलाई थी, जो कि ओलंपिक से पहले पहले होने वाले थे, उससे पहले पहले उन्होंने चला दी थी जापान में बुलेट ट्रेन। तो ये अनऑफिशियल एक नाम है, तो वो वही के टेक्नोलॉजी से आया। अब देखिए इंडिया में जो बुलेट ट्रेन चलने वाली है वो कहां चलने वाली है, वो मुंबई से अहमदाबाद के बीच में चलने वाली है। मुंबई जो कि हमारे देश का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री है, सॉरी पॉपुलेशन वाला वो है सिटी है,
तो सबसे पहले नंबर का सिटी है मुंबई और अहमदाबाद सातवां हमारा सबसे पॉपुलर सिटी है, तो इसीलिए मुंबई अहमदाबाद के बीच में इसलिए रीजन ये भी माना जाता है कि इसे चलाई गई है। अब मुंबई से जो अहमदाबाद के बीच चलाई जा रही है डिस्टेंस कितना कवर करेगी बुलेट ट्रेन, 508 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेन ट्रेवल करेगी। उसमें कितने स्टेशन होंगे बीच में, 12 स्टेशन होंगे। और इस प्रोजेक्ट जो है, इस पूरे प्रोजेक्ट मुंबई अहमदाबाद की जो बुलेट ट्रेन है प्रोजेक्ट है, इसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, 1,10,000 करोड़। जी हाँ, 1,10,000 करोड़ आ रही है। उसमें से 88,000 करोड़, 88,000 करोड़ कौन दे रहा है हमें, जापान दे रहा है, जो उनकी करेंसी येन है उसके रूप में। और जो ये अमाउंट दे रहा है हमें, इस पर इंटरेस्ट कितना चार्ज कर रहा है वो 0.1%। भले ही ये कम है इंटरेस्ट, लेकिन कुछ प्रोमिनेंट लोगों का मानना है, कुछ जो बुद्धिजीवी है उनका मानना है कि 0.1% है ये भी ज्यादा पड़ेगा इंडिया को। क्यों? क्योंकि इंडिया के जो इन्फ्लेशन रेट है वो 3% है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो 20 सालों में इन्फ्लेशन रेट 60% हो जाएगा। तो और इसकी जो कॉस्ट है 88,000, ये करीब करीब 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा पड़ जाएगी। तो ये देखने वाली बात है कि अब क्या होता है, फ्यूचर तो प्रेडिक्ट करने ही किया नहीं जा सकता है। तो हम आशा ये कर सकते हैं कि जितना इंटरेस्ट हमें कम देना पड़े उतना हमारे लिए बेनिफिट होगा। अब देखिए, इंडिया में जो बुलेट ट्रेन चलाई जा रही है वो कहाँ से, कैसी कौन सी टेक्नोलॉजी की चलाई जा रही है, देखिए हम जापान की टेक्नोलॉजी, एक बहुत फेमस टेक्नोलॉजी वहाँ की ट्रेन वाली टेक्नोलॉजी है शिंकनसेन, ये टेक्नोलॉजी हम फॉलो कर रहे हैं। इसकी स्पीड से जो इंडिया में चलेगी ट्रेन, जो बुलेट ट्रेन, उसकी जो मैक्सिमम स्पीड होगी वो कितनी, 350 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी मैक्सिमम स्पीड है, याद रखिएगा गाइस। तो ये मैक्सिमम स्पीड है, वैसे इसकी एवरेज जो रन करने की स्पीड जो मानी जा रही है वो कितनी, 320 किलोमीटर पर आवर ये जो चलाई जाएगी। अब देखिए, ये तो हो गया मुंबई अहमदाबाद। अब गवर्नमेंट ने लिस्ट भी तैयार रखी है कुछ, मतलब माना जा रहा है ऐसा कि गवर्नमेंट जो है पूरे देश में मतलब फैलाएगी इस रेल नेटवर्क को। तो कौन कौन से, देखिए ये प्रोजेक्टेड है कि ये भी हो सकता है दिल्ली से मुंबई के बीच में भी चलाए जाने की बात हो रही है, दिल्ली आगरा लखनऊ वाराणसी होते हुए पटना तक भी चलाए जाने की बात हो रही है, और भी कई सारे हैं, चेन्नई को जोड़ने की बात हो रही है, और तिरुवनंतपुरम हो गया, और भी कई सारे राज्य सिटी है जो इंडिया के, भारत के, वहां पे ये बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट चलाने की बात कही जा रही है। तो गाइज हम यही होप कर सकते हैं कि क्या कहते हैं, जल्द से जल्द बुलेट ट्रेन का सपना जो है साकार हो और लोगों को उसमें बैठने का मौका मिले, हमारी फैसिलिटीज अच्छी हो, हमारा टाइम इससे सेव हो। मेन है कि टाइम सेव होना, जो हमें 8 घंटे का टाइम लगता था मुंबई अहमदाबाद ट्रेवल करने में, वो 3 घंटे में ही ट्रेवल हो जाएगा, तो 5 घंटे यहाँ सेव हो रहे हैं। तो क्योंकि टाइम बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पे इंडिया में माना जाता है। तो ये टॉपिक था मेरी तरफ से, ये कंप्लीट हो गया, आई होप समझ आ गया होगा आपको। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।